हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ कुछ इस टाइप की रील जो कि आपने भी स्टार्टिंग में देखी। तो इस टाइप की जो रील इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी, तो गाइस मैंने सोचा कि आप सभी के लिए इसके लिए एक वीडियो बना दिया जाए। तो अगर आप लोग ऐसे रील एडिट करना चाहते हो तो गाइस इसमें कुछ मतलब म्यूजिक वगैरह मैं यूज़ करूँगा, तो सभी का लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो को देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना एंड आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। बहुत सिंपल एडिटिंग है, ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर आप ध्यान से देखते हो। तो आप लोग वीडियो कंप्लीट वॉच करना। बाकी गाइस, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए आज के वीडियो में बिना किसी डाउट स्टार्ट कर लेते हैं। सो सबसे पहले आप सभी को करना क्या है, आपको यहाँ पे पहले तो VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, ठीक है। VN एप्लीकेशन जब जैसे आप ओपन करोगे तो उसके बाद आप सभी को कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो क्योंकि अगर आपको चलाना आता होगा मतलब पहले तो आपको पता ही होगा, मतलब आप इसमें पहले से एडिट कर रहे हो तो कि क्या करना है स्टार्टिंग में। तो सिंपली स्टेप है, आपको प्लस का आइकन पर क्लिक करके आपको न्यू प्रोजेक्ट पर जाकर आपको यहाँ पे अपनी जो वीडियो वगैरह सेलेक्ट लेना है। बट हम इसमें वीडियो नहीं सिलेक्ट करेंगे, इसमें हम अपनी फोटोज़ को ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम फोटोज़ पर जाएंगे। फोटोज़ पर जाने के बाद यहाँ से हम ऑल फोटोज़ में जाकर हम यहाँ से जो अपनी फोटोज़ को सिलेक्ट कर लेंगे, हमें जो जो फोटोज़ चाहिए, ठीक है। तो आप लोग सिलेक्ट करके रख लेना यहाँ पे। तो मैंने सेलेक्ट कर लिए सारे फोटोज़, अब मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे ओपन करूँगा अंदर, ठीक है। तो इसके बाद आप सभी को करना है कि आपको म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड म्यूजिक वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको ऊपर प्लस का जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है एंड आप सभी को एक्सटेंड फ्रॉम फाइल कर देना है, ठीक है, और वीडियो कर देना है। उसके बाद आप जैसे यहाँ पे करोगे तो आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, वीडियो को। देन उसका म्यूजिक आपको यहाँ पे यूज़ करना है। सो यहाँ पे जैसे आप इसका म्यूजिक ऐड करोगे तो उसके बाद आपको सिंपली डन करना है एंड उसके बाद आपको इसमें जो है दो इफेक्ट ऐड करना है, ठीक है। तो एक स्टार्टिंग में तो मतलब स्टार्टिंग वाली में रहने देना, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे आएगा म्यूजिक को आपको ध्यान से सुनते रहना है, ठीक है। म्यूजिक के साथ साथ आपको बनाना है एंड उसके बाद जैसे ही म्यूजिक वहाँ पे स्टॉप होता है, ठीक है, बीप साउंड जहाँ पे आएगा वहाँ पे गाइस आपको फोटो को जो अपना कट कर देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आया तो मैंने यहाँ तक कर दिया। अब इस वाली में हमें इफेक्ट डालना है, इफेक्ट कौन सा डालना है वो मैं बताता हूँ आपको। पहले आपको सिंपली एफएक्स में चले जाना है। सो एफएक्स ऑप्शन जो है आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ट्रिम के बगल में जो है, ट्रिम के बगल में यहाँ पे, हाँ ये वाला ये ऑप्शन जो है। इसके बाद आप सभी को सिंपली यहाँ पे स्क्रॉल करना है साइड में, एकदम लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आने के बाद जो आपको ये वाला दिख रहा है फर्स्ट वाला, ये इसके बीच में जो है ये वाला लेना है एक ऑप्शन, ठीक है, ये वाला फिल्टर। एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ पे इतना लेने के बाद जैसे बीप साउंड यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है, जैसे इसका बीप साउंड थोड़ा सा कम है तो मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ। सो यहाँ पे आप जैसे बढ़ाओगे फिर एक ये वाला आता है आपका साउंड, ठीक है, ये साउंड। एंड उसके बाद आपको इसको कम कर देना है एंड अगर साथ के साथ आपको चला के भी चेक करते रहना कि वो जो साउंड है उससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे आप इसका यहाँ तक तो हमारा हो गया, ठीक है। अब हम सेकंड वाले में जो है हमें दो ही फिल्टर यूज़ करना है, आपको अपनी पूरी वीडियो में ना दो ही फिल्टर यूज़ करना है जो एफएक्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक पहले आपको जो ये वाला आपने किया था अभी ये वाला, ठीक है, एंड दूसरे वाला जो है आपको जूम वाला करना है, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पे एफएक्स में चले जाना है। आप सभी को जो मतलब जो आगे वाली लेयर है पहले इसको सिलेक्ट कर लेना है, देन उसके बाद आपको एफएक्स में जाना है, ठीक है। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लिया, हम एफएक्स में जाएंगे। अब दूसरे वाला जो फिल्टर आपको यहाँ पे यूज़ करना है ना वो है ये वाला, ठीक है, जूम वाला, ये जो जूम हो रही है फोटो जिसमें, ठीक है। एंड इसका भी जो बीप साउंड है आपको उसको देख लेना है कि कहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम इसको स्टार्टिंग में कर लेते हैं इफेक्ट को, ठीक है, उसको छोटा कर लेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ पे जो हम इसे देखते हैं पहले चला के, ठीक है, तो ये वाला साउंड और ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों मतलब कि आपको फिल्टर यूज़ करना है, पहले आपको स्टार्टिंग वाला वो यूज़ करना है, सेकंड में ये वाला, ठीक है। तो पहले आपको ये वाला फ़िल्टर, फिर मैं आपको पहले ये फिर ये, ठीक है। तो ये दो दो फिल्टर ऐसे से यूज़ करना है। अब मैं यहाँ पे गाइस थोड़ी सी ना वीडियो को थोड़े फास्ट कर देता हूँ ताकि आपका जो है टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। सो गाइस यहाँ तक कि जो हमारी एडिटिंग हो चुकी है कम्प्लीट, ठीक है, तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा इसको चला के दिखा देता हूँ। सो गाइस मिताउड म्यूजिक इतना खास नहीं लग रहा है, बाकी आप लोग इसको एडिट करना, बहुत अच्छा मतलब एडिट हो जाएगा ये, ठीक है। तो बाकी वीडियो को लाइक करें बिना बिल्कुल मत जाना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।